छुट्टी वाला दिन हमेशा आराम दे जरूरी नहीं, पर अगर आप अपने काम में ही आराम ढूंढ लें, हर रोज आराम ही आराम। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। एक और नए शानदार दिन में आप सभी का रविवार के दिन स्वागत है, ऑफिस से स्वागत है। सुबह सुबह मैं उठ तो गया था, बट उसके बाद से लगातार मैं एक वेब सीरीज़ देख रहा था। खाकी करके एक नई वेब सीरीज़ आई है और 2-3 एपिसोड देखा हूँ मैं अभी तक। बहुत ग्रिपिंग और बहुत ही, मेरे को ये जितने भी ऐसी इस टाइप की फिल्में होती है ना या वेब सीरीज़ होती है जिसमें टाइम को लेके टाइम पीरियड दिखाते हैं और काफ़ी ग्रिपिंग स्टोरी होती है, टाइम को लेके कोई स्टोरी चलते रहती है, आगे चलते रहती, तो बड़ा मज़ा आता है देखने में। तो ये वैसी स्टोरी है, पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, एक तो पॉलिटिक्स, पुलिस, ये सब में मेरा बड़ा इंटरेस्ट है हमेशा से, तो बड़ा मज़ा आता है इस टाइप की को देखने में। तो अगर आपको भी इस टाइप की सीरीज़ में, अरे वो डायरेक्टर का नाम क्या है यार जिसने MS धोनी पे बायोपिक बनाई थी, नीरज पांडे ने बनाई है ये सीरीज़ जो है। और नीरज पांडे की खासियत सबसे अच्छी यही है कि वो टाइम के साथ भागते हैं, मतलब उनकी जो भी मूवी होती है, सीरीज़ होती है, टाइम बेस्ड होती है, तो बड़ा मज़ा आता है देखने में। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। भूख लगी थी तो कुछ खाने जा रहा हूँ, मैं सोचा आप लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं, तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे। कबीरा कैफ़े, ये अपने ऑफिस के पास में बढ़िया जगह मिल गई है, जब मन करे सस्ते में अच्छा खाना भी मिल जाता है और प्रॉपर घर जैसा खाना भी मिल जाता है और कॉलेज की याद भी दिला देता है। यहीं खाते हैं कुछ, थोड़ा ज़्यादा खा लिए क्योंकि थाली वाले सिस्टम में क्या होता है, आपको मिल जाता है पूरा खाना, छोड़ने में मज़ा नहीं आता मेरे को। आप थोड़ा जितना रिक्वायर्ड रहता है उससे तो ज़्यादा ही खा लेते हो। नॉर्मली मैं 3 रोटी में पेट भर जाता है, बट उसके साथ में थोड़ा चावल भी खा लिया, बट ठीक है, संडे को सब चलता है। कोशिश तो है कि कल से वापस वर्कआउट शुरू किया जाए, सर को भी बोलो, देखते हैं क्या होगा, कल हो पाएगा भी कि नहीं, और सीरीज आगे बढ़ाते हैं अभी देखना। सरनजीत सिंह जी अगर आज नहीं आते तो हो सकता है कि मैं आज निकलता ही नहीं बाहर, इसकी वजह से निकला हूँ, क्योंकि HNM जाना था भाई साहब को, ये तो मैं तो मस्त सीरीज देख रहा था। मेरे को नहीं जाना था, मेरे को भी देखना, मेरे को नहीं जाना था, मतलब मैं तो तू जाएगा चल लूँगा साथ में, ऐसा था बस। तो HNM जा रहे हैं अभी हम लोग, वहाँ पहुँच कर मिलते हैं। यूजली संडे के दिन हम लोग का कभी से मॉल वॉल आना होता नहीं है, आज जब आए हैं हम लोग ऐसी भीड़ है कि हम लिफ्ट की जगह हमको सीढ़ियों से जाना पड़ रहा है। ठीक है, वैसे सेहत के लिए अच्छा है, और कुछ तो कर नहीं पा रहे, कम से कम सीढ़ी चढ़ने। वापस आ गए हम, कुछ खरीदे नहीं, सरनी भाई साहब भी कुछ नहीं खरीदे, उनको एक चीज़ पसंद आई उसमें साइज़ नहीं मिला, और द किंग आकाश जी आ चुके हैं। नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों आप? ये एकदम राशि प्रोडक्शन में जैसा फील देता है व्लॉग में, एकदम शांति से आता है, प्यार से, एकदम धीरे से, और नॉट सलमान खान। वैसे राजश्री का सलमान भी अच्छा ही है। तो हम लोग कुछ खाने जा रहे हैं, आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं। ऑफिस से निकलते ही हम लोग आ गए हैं अभी यहाँ पे 1 DM, बड़े दिनों बाद, और अभी हम लोग क्रोसॉन और कॉफ़ी, पेंडेंट हो गया है हमारा, वही ले रहे हैं। ये जो है ये है 1 DM कप्पा, और ये है अपना क्रीम एंड चीज़ क्रोसॉन, और ये है न्यूटेला क्रोसॉन। कैसा है? ऑनेस्ट चाहिए ना, तेरे को कैसा लग रहा है खा के बताना भाई, इतना न्यूटेला है उसमें अच्छा ही लगेगा भाई। कैसा है? कैसा है? अभी मैं सोच रहा हूँ। समझ गए हम पीते हैं आप चाय। तो रायपुर के सराफे में आ गए हैं हम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? हम वेलकम टू द फूड ब्लॉगिंग चैनल, आज हमारे फूड ब्लॉगर हैं आकाश जी। थोड़ा और चीज़ यहीं तो लगाते थे, वो कहाँ चले गए? इसमें क्या डाल रहे हो? बहुत ही बुरा, गुपचुप खाने के बाद कैसा लग रहा है? वो मतलब उसको गुपचुप खिलाने का मन ही नहीं था भाई साहब को, बिना मन के। अच्छी थी पानी पूरी, जो पानी खाया रेगुलर 3 बार। अरे वो 6 पानी बोल के मेरे को सेम पानी खिला रहा था भाई, वही सबसे अच्छा था। इसको भी नहीं मजा आया, ये उसको 2 बार बोला भैया। अभी हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे वड़ा पाव और अप्पे। हो गई वापसी घर पे, बहुत अच्छी ठंड है, मतलब मजेदार ठंड है बाहर, मज़ा आ गया अभी, एकदम ठंडा लग गया। तो बस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ कुछ और खाए, डेजर्ट भी खाए, कुछ और खाए, मज़ा आया। मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ आखिर।
गुड मॉर्निंग सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। एक और नए शानदार दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे ही मैं व्लॉग शुरू करता हूँ ना यहाँ पे, खास करके घर से आजू बाजू कुछ ना कुछ कोई डंडी बेचने वाला, कोई टीना टपरी वाला, कोई सब्जी वाला आ ही जाता है। अभी भी जैसे ही मैं शुरू किया वैसे वो भैया है, इतने देर तक बोल नहीं रहे थे, बट ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से। बस ये बता रहा हूँ कि हिंड्रेंस ऐसे कुछ ना कुछ आते रहता है। तो आज का दिन जो है वो मंडे है, मंडे को मीटिंग्स जो रहती हैं वो लाइंड अप रहती हैं ऑलरेडी, तो कुछ कुछ मीटिंग्स हैं लाइंड अप ऑलरेडी। मैं गाड़ी वहीं छोड़ दिया था आज, तो अभी जाने का कुछ देख रहा हूँ सीन कैसे क्या करना है, और अदरवाइज आई एम रेडी। और थोड़ा कल मैं खाकी एक नई सीरीज़ आई है वो देखा, पूरा देख लिया कल दिन भर में मैं, और वो सीरीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। कल भी मैं शायद उसकी बहुत तारीफ़ कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो वो पूरी देख लिया मैं, बस आप लोग को इन्फॉर्म कर दूँ सोचा। वो अच्छी सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी तो, आपको अगर वैसा जॉनर पसंद है तो आप देख सकते हो वो। और बस मैं कल ही रात को सोच रहा था कि ये जो पुरानी सीरीज़ हैं जिनको देखे हुए 2-2.5 साल हो गए, जैसे अपना मिर्ज़ापुर हो गया, नेटफ्लिक्स वाला ये अपुनी भगवान हो गया, तो ये वापस से एक बार तो देखा जा सकता है, क्योंकि अब भूल भी गए हैं प्लॉट, उतने अच्छे से याद नहीं है। देखते देखते याद आ जाता है, बट भूल गए तो टाइम मिले तो ये देखना देखा जा सकता है। नया कॉन्टेंट इतना रहता है आजकल कि पुराने कॉन्टेंट की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बाकी ठंड अच्छी बढ़ गई रायपुर में, फेवरेट महीना है मेरा ठंड, बार बार बोलता हूँ मैं, मज़ा आ जाता है ठंड लगती है तो इसलिए एक जैकेट पहन लो, एक हुड पहन लो। अभी ये स्वेट शर्ट्स निकाल लिया मैं सारे, तो ये पहन रहा हूँ, ये वाले स्मॉल साइज़ के जो स्वेट शर्ट्स हैं उनको थोड़े से टाइट तो नहीं बोलूँगा बट हल्के होने लग गए, मतलब ऐसे एकदम ढीला ढाला नहीं है जो पहले जैसे हुआ करता था। वजन कम करने का क्या किया जाए भगवान जाने, कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन एक और अनबॉक्सिंग में आप सबका स्वागत है। आजकल मैं थोड़ा स्मार्ट हो गया अनबॉक्सिंग में, तो ये मैंने बस ये कैंची से काट लिया ताकि आप लोगों को दिखा पाऊँ, तो क्या हो जाता है वो फिर मैं काटते रह जाता हूँ वीडियो में और वो कटता नहीं है। ये है एक हाई नेक पुलोवर है, ये कोट के नीचे मतलब सूट ब्लेज़र के नीचे, अभी बहुत शादियाँ हैं बैक टू बैक तो बहुत दिक्कत हो जाती है क्या कौन सा शर्ट पहने क्या पहने, तो ये बहुत कंफर्टेबल भी रहता है और ठंड भी नहीं लगती इससे, तो इसलिए ये था। और कुर्ते का मेरे को जो है वो शौक आप कुर्ते लेता हूँ, तो ये एक और कुर्ता है ग्रीन कलर का कुर्ता मेरे पास था नहीं, और ये बहुत ही सुंदर कुर्ता है, ट्राई नहीं क्यों ये दोनों ट्राई बाद में करेंगे, अभी बस खोल लिया सोचा आप लोगों को दिखा देता हूँ। आगमन हो चुका है हमारा ऑफिस में, चलते और काम धाम जो है वो निपटाया जाए। ठंड के दिनों में काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, बट काम ऐसी चीज़ है जो कि इच्छा पे नहीं ज़रूरत पे टिकी होती है, तो करते हैं काम, चलते हैं ऑफिस। मंडे इज़ बीन हार्ड ऑन मी, सुबह से निकला ही नहीं हूँ ऑफिस से, सुबह से काम कर रहा हूँ बैक टू बैक, बीच में लंच करने जो हम लोग रुके थे वही था, नहीं तो बैक टू बैक काम कर रहा हूँ। बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है कि सुबह से लेके जो काम करना शुरू किया हूँ अभी तक काम ही चल रहा है, और अभी भी और काम बचा ही हुआ है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बाहर जाके करनी है, पहले वो हो सकता है कि निकल के करें, बट काम अभी भी बहुत बाकी है तो काम निपटाना पड़ेगा, और करते हैं काम, बाहर भी निकलते हैं, तो बाहर निकलूँगा तो आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक थोड़ा बहुत और जो बचा हुआ काम है वो काम निपटा लेते हैं। जैसा मैंने कहा था काम के लिए बाहर निकल आया हूँ मैं, और थोड़ी देर वेट करना पड़ रहा है किसी चीज़ के लिए, तो बस वेट करते खड़ा हूँ। ठंड बढ़ गई है, अंदर स्वेटशर्ट बाहर जैकेट सबकी ज़रूरत पड़ने लगी है, ऐसे रुको तो नहीं लगती है ठंड, लेकिन जैसी गाड़ी चलाओ ना तब लगती है बहुत ज़्यादा लमसम ठंड लगती है, इसलिए ज़रूरी है प्रोटेक्शन हर प्रकार से रखो अपने पास में, ठंड नहीं लगनी चाहिए नहीं तो फिर खांसी सर्दी हो पूरा ज़िंदगी बेकार हो जाता है उसके बाद सर्दी बरस के बाद। अंबुजा मॉल आया था मैं किसी काम से और वो काम हो गया है, एप्पल स्टोर आया था टू बी प्रिसाइज, कुछ देना था तो वो जब हो जाएगा तब आप लोगों को बताएंगे कि क्या था, चेंज कराना था कुछ, वारंटी में था तो बस वही देने आया था। अब यहाँ से चलते हैं, चल के एक दो और काम है वो निपटाते और फिर ऑफिस चलेंगे। हमारी सवारी जो है वो पहुँच गई मालवीय रोड, यहाँ से कुछ कुछ सामान लेना था तो यहाँ आ गए, और बस अब इसके बाद सीधे दादू के पास जाना है, फिर जाना है घर मतलब ऑफिस, फिर ऑफिस से घर। कारा जी का स्वागत करिए आज के नए व्लॉग में, कैसे हैं सर? कहाँ व्यस्त हैं आजकल आप? फोन ऑन काफी आने लग गए हैं आपको, काफी इधर उधर जाने लग गए हैं आप, कहाँ बिजी हैं इन दिनों? लोकल फूड फेस्ट। साले क्या बहाना मारता है, मतलब गजब ही बहाना मारता है। और हम आए अभी कटोरा, लगी थी बहुत जोरों की भूख, पनीर ये जो रोल है वो खा रहा हूँ मैं, आधा बचा के रखा था मैं आकाश के लिए, आ रहा हूँ बोला अभी तक पहुँचा नहीं। तू क्या खाएगा? दूध पीते है ना मस्त, गर्मा गर्म दूध आ गई भाई, मजेदार। रील बनाना है मेरे को यार, सोचो डे लाइट में तू रील बना क्या करेगा दूध का, अंधेरे में बनाना रील मस्त, अंधेरे मतलब अभी बना, मैं पी भी लूंगा दूध। और ये है
है शानदार, ये खाते मैं हाफ खा लिया। दादू नहीं है, केटरिंग में गए आज। बाकी कारा जी हैं यहाँ पे। मूवी चलेगा भेड़िया अभी 9 बजे? क्यों साले, इतनी अच्छी फिल्म है, सबका अच्छा रिव्यू सुनाओ। मैं नहीं जाएगा पक्का, सोच ले। आ गया ऑफिस, यहाँ से जाना है मूवी। सरनी भाई साहब लेट कर रहे हैं ऑलरेडी, अभी तक पहुँच जाना चाहिए था, उसको पहुँचा नहीं है। आकाश भी आ गया नीचे, चलते हैं जल्दी से मूवी के लिए। आज हमको लेट कराने का मुख्य कारण जो है वो ये है, गौर से देखिए इस चेहरे को जो कि छुप रहा है आपसे। गौर से अपना चेहरा दिखाइए सर, लेट कराने वाले और नहीं दिखा रहा है। इसकी वजह से लेट हुए हैं हम लोग। 9:05 का शो है और 9 बज गए। खैर 10 मिनट लेट चालू होता है शो तो दिक्कत नहीं है, अभी भी आराम से पहुंच। वही बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर आ गए, पानी के देवता हैं ये। ब्रह्मास्त्र के अगले उसमें जलस्त्र यही है, जिसको भी नहीं पता है। भेड़िया देखने आए हैं हम लोग और अभी जस्ट जो है इंटरवल हुआ है। अभी तक मूवी ओके ओके लगी मेरे को, बहुत अच्छी लगी। बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा लगा फिल्म का, कुछ कुछ पंचलाइंस बहुत अच्छी हैं इसमें। वो नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, कास्टिंग डायरेक्टर क्या तो नाम है यार, कास्टिंग बे का जो वो है ना फाउंडर, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। जो हथौड़ा त्यागी था, जो मिर्ज़ापुर में वो उसका दोस्त बनता है जो अपना गला काट लेता है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, क्यों पता नहीं। वो अभिषेक कुछ तो है तिवारी या पता नहीं, नाम याद नहीं आ रहा। वो उस गजब एक्टर है भाई, अलग ही लेवल का एक्टर है, मज़ा आ गया। तो सेकेंड हाफ में होपफुली चीज़ें ठीक हो। वरुण धवन ने एक्टिंग तो अच्छी की है टूवर्ड्स दी एंड, बाकी ओवरऑल अभी तक ओके ओके लगी, आगे देखते हैं कैसे। तो मूवी जो है मुझे तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी, आकाश को अच्छी लगी, करनी को ओके ओके लगी, ठीक हाँ मतलब वही ठीक थी। मेरे को तो मतलब बुरी कहीं से नहीं थी, लंबी थी मूवी। वो बनर्जी जी अगर नहीं होते तो फिल्म कॉमेडी पॉइंट के रहते, हाँ मतलब देख ही नहीं पाते। वही मेन लीड एक्टर वही है फिल्म का, बहुत ही अच्छी एक्टिंग किया और बहुत ही सटीक एकदम कॉमिक टाइमिंग है भैया जी की। घर वापसी हो गई हमारी और बाहर आज पता नहीं बादल की वजह से क्या है, ठंड थोड़ी कम लग रही है कंपैरेटिवली बाकी दिनों से। ऐसे तो मैं सरनी के साथ ही आ गया कार में, बट फिर भी ठंड बाहर निकलने के बाद भी समझ में आता है ना। एक तो मैं स्वेटशर्ट के ऊपर ये पहना हूँ तो हो सकता है ये भी रीज़न हो, बट इन जनरल भी ठंड आज थोड़ी कंपैरेटिवली कम लग रही है। तो मूवी तो मज़ेदार नहीं रही, थोड़े समय वेस्ट हो गया, बट जाना ज़रूरी था क्योंकि मैं आकाश को बोल के रखा था और फिर 2 बार मैं ऑलरेडी उसको टाल चुका था, तो आज टाल देता तो गलत हो जाता। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ खैर।